हेलो दोस्तों, इजी एंड क्रेजी जीके ट्रिक में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे इस वीडियो के जरिए कि भारत के प्रमुख जिले कौन कौन से और उनसे संबंधित राज्य कौन से। यह एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से हर एग्जाम में, चाहे एमपीपीएससी हो, पीएससी हो, एमपी पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो, चाहे बैंक हो, ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम कोई भी हो, इसमें से एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए हमने आज यह वीडियो लिया है जिसके जरिए आपको यह पता हो जाएगा कि हमारे भारत देश में कुल कितनी प्रमुख जिले हैं और उनसे संबंधित राज्य कौन कौन से। और साथ में होगा एक वेरी इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट जो बहुत इम्पोर्टेंट, आज से जितने भी एग्जाम हुए उनसे छाट कर बनाया गया है, बहुत ही प्रमुख प्रश्नों का एक संग्रह है। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दिए इस बेल आइकन बटन को दबाना न भूले, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास उसका समय समय पर नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो चलो दोस्तों, हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। आज का हमारा टॉपिक है भारत की प्रमुख जिले। तो देखिए, भारत की प्रमुख जिले कौन कौन सी है, उन्हें याद करने की सबसे आसान सी ट्रिक क्या है। देखिए, एक कहानी बताता हूं मैं आपको। जम्मू कश्मीर जो है एक बहुत ही ठंडा प्रदेश है, जिसके कारण वहाँ पर नाग निकलते रहते जहाँ जिसके कारण वहाँ पर सर्प बहुत निकलते रहते, जिसके कारण वहाँ के जो लोग हैं वो बहुत परेशान हो जाते हैं। तो वहाँ पर एक दिन क्या होता है, डल उलर नाम का एक मनुष्य आता है जो कि बहुत खतरनाक है, जिसके बल के कारण वहाँ के जो नाग है वो सब उसको देख के भाग जाते हैं जम्मू कश्मीर से। और यही से हमारी ट्रिक निकल कर बनती है। जो डल उलर नाम का मनुष्य है उसके बल से वहाँ के जो सभी नाग नागिन होते हैं वो सब जम्मू कश्मीर से भाग जाते हैं। तो हमारी ट्रिक क्या बनकर निकली कि डल उलर नाम का जो मनुष्य है, डल उलर मानस के बल से सब नाग नागिन जम्मू कश्मीर से भागी। डल उलर मानस के बल से सब नाग नागिन जम्मू कश्मीर से भागी। देखिए इसे किस तरह से एक्सप्लेन करते। देखो, हमारे ट्रिक का फर्स्ट वर्ड है डल। तो डल से क्या बना, डल झील। और यह किस राज्य में, तो यह जम्मू कश्मीर राज्य में है। इसके बाद में हमारे ट्रिक का सेकंड वर्ड है उलर। तो उलर से बना उलर झील, यह भी जम्मू कश्मीर राज्य में, और यह मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। यह याद रखना बहुत इम्पोर्टेंट है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो उलर झील है। इसके बाद में हमारे ट्रिक का थर्ड सेकंड वर्ड है मानस के बल से। देखिए, मानस के बल, तो मानस के बल से क्या बना, मानस बल झील। मानस बल झील जो है वह अभी जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। इसके बाद में अगला वर्ड है से स। देखो, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा मैट्रिक में से स, तो शेष से क्या बना, शेषनाग झील। शेषनाग झील यह भी जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। इसके बाद में अगला है बनाग, तो बनाग से क्या बना, बैरीनाग। बनाग जो मैट्रिक का वर्ड है उससे बना बैरीनाग झील। तो देखिए, बैरीनाग झील जो है यह भी जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। इसके बाद में है नागिन, तो नागिन से बना नागिन झील, तो यह भी जम्मू कश्मीर राज्य में है। तो इस तरह से जम्मू कश्मीर राज्य में कौन कौन सी झील है, डल झील, उलर झील, मानस बल झील, शेष नाग झील, बैरी नाग झील एवं नागिन झील, इतनी झीलें पूरी जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। इसके बाद में हमारी अगली ट्रिक है राज्य राजस्थान की। जो राज्य है राजस्थान, उसमें कौन कौन सी प्रमुख जिले हैं उसकी ट्रिक देखी। इसके लिए एक स्टोरी सुनना। डिडवाना एक ग्राम है, डिडवाना नाम का एक गांव है जहां पर एक जयराम सामद नाम का राजा रहता है। डिडवाना गांव में एक जयराज सामद नाम का एक राजा रहता है, जो एक दिन शिकार करने जाता है तो उसे एक सांभर दिखता है। तो वह उस सांभर के पीछे पीछे उसकी फतेह, मतलब उसकी विजय सुनकर वो सांभर भाग जाता है।
तो वह जो जयराज सामंत है वह उसके पीछे पीछे राजस्थान तक चला जाता है। डिडवाना का जयराज सामंत एक सांभर की फतेह सुनकर राजस्थान तक जाता है। तो इससे हमारी ट्रिक क्या बनकर निकली कि डिडवाना के जयराज सामंत एक सांभर के पीछे उसकी फतेह सुनकर राजस्थान गए। डिडवाना के जयराज सामंत एक सांभर के पीछे उसकी फतेह सुनकर राजस्थान गए। देखो इसे किस तरह से एक्सप्लेन करते, तो डिडवाना से बना डिडवाना झील, ये जम्मू कश्मीर ये राजस्थान राज्य में है। इसके बाद में अगला है जय। देखो हमारे ट्रिक का जो सेकंड वर्ड है जय, जय से क्या बना, जय संबंध झील, जय संबंध झील, यह भी राजस्थान राज्य में स्थित है। इसके बाद में थर्ड वर्ड है राज सामंत। तो देखो राज सामंत से क्या बना, राजसमंद झील जो, यह भी राजस्थान राज्य में स्थित है। इसके बाद में अगला है सांभर, तो सांभर से बना सांभर झील, यह भी राजस्थान राज्य में है। इसके बाद में पीछे, तो पीछे से क्या बना, पिछौला झील, हमारे ट्रिक का वर्ड है पीछे, तो पीछे से बना पिछौला झील, तो यह भी राजस्थान राज्य में है। इसके बाद में अगला वर्ड है फतेह, तो फतेह से क्या बना, फतेह सागर झील, तो यह भी राजस्थान राज्य में स्थित है, फतेह से बना फतेह सागर झील। इसके बाद में अगला है सुनकर, तो देखो सुनकर से क्या बना, लुनकर, लुनकर नसर झील, लुनकर नसर झील, तो यह कहाँ पर है, राजस्थान में। सुनकर से बना लुनकर, स को स की जगह अगर ल कर दो तो वह आपको ट्रिक में बराबर दिखाई दे देगा। इसके बाद में अगला है, इस तरह से राजस्थान राज्य में कुल कितनी झीलें हैं, देखो पहला डिडवाना, उसके बाद में सेकंड है जय सामन झील, तीसरा है राज सामन झील, चौथा सांबर झील, पिछोला झील और फतेह फतेह सागर झील और है लुनकर नसर झील। तो इस तरह से इतनी झीलें जो है राजस्थान राज्य में स्थित है। इसके बाद में हमारा अगला ट्रिक है उत्तराखंड। देखिए उत्तराखंड राज्य में कौन कौन सी झीलें और उन्हें याद करने की ट्रिक देखिए। उत्तराखंड में ताल पीछे लगा, ताल का अर्थ होता है तालाब। तो हम जब मैं उत्तराखंड गया तो वहां के जो तालाब है वो हमारे पीछे लग गए। तो यह याद रखना कि जो उत्तराखंड के जो झीले है, जिन भी झील के पीछे अगर ताल शब्द जुड़ा है तो वह किस राज्य से संबंधित है, वह उत्तराखंड से संबंधित है। बाकी किसी भी राज्य में ऐसी कोई झील नहीं जिसके पीछे ताल लगा हो, केवल उत्तराखंड ही एक ऐसा राज्य जिसके जिसके झील के पीछे ताल शब्द जुड़ा हुआ होगा। तो देखिए दोस्तों अब इसमें कौन कौन सी झीलें है देखते हैं। देखिए सात ताल झील, यह भी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इसके बाद में अगला है राकस ताल झील। देखिए राकस ताल, इसमें भी ताल शब्द जुड़ा है, यह कहाँ पर है, उत्तराखंड में। इसके बाद में अगला है देवताल। देखिए देव के बाद में यहाँ पर भी ताल जुड़ा है, यह भी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इसके बाद में नैनीताल झील, यह भी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इसके बाद में खुशिया ताल झील, यह भी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगला है माला ताल झील, देखिए इसे यहाँ पर भी ताल शब्द उसमें जुड़ा हुआ है, यह भी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नौकुचिया ताल झील, नौकुचिया ताल झील, यह भी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो इस तरह से उत्तराखंड राज्य में कुल कितनी झीलें हैं, सात ताल झील, राकस ताल झील, देव ताल झील, नैनीताल झील, खुशिया ताल झील, माला ताल झील और नौकुचिया ताल झील, यह सब उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इसके बाद में अगला है, अगला राज्य है महाराष्ट्र। देखिए महाराष्ट्र राज्य में केवल एक ही झील है लोनार झील, यह सब आप जानते हैं कि महाराष्ट्र राज्य में लोनार झील है, इसे याद रख लेना, महाराष्ट्र राज्य में जो है लोनार झील स्थित है। इसके बाद में अगला है उड़ीसा। देखिए उड़ीसा, तो उड़ीसा राज्य में जो है वो चिल्का झील है, जो कि खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। हमारे भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो चिल्का झील है। और ये किस राज्य में, तो ये उड़ीसा राज्य में, यह भी आपको याद रखना होगा। इसके बाद में अगला है
मणिपुर। देखिए मणिपुर में कौन सी झील है, लोकटक झील, लोकटक झील। तो लोगों के गले में क्या होता है, मणि होता है, यह सब आप जानते हैं। लोगों के गले में जो मणि होता है तो उससे क्या बना, लोक से बना लोकटक और मणि से बना मणिपुर। तो मणिपुर राज्य में जो झील है वो कौन सी है, लोकटक झील, मणिपुर राज्य में लोकटक झील है। इसके बाद में अगला है आंध्र प्रदेश। देखिए आंध्र प्रदेश राज्य में कौन सी झील है, तो आंध्र प्रदेश राज्य में जो है कोलेरू, कोलेरू झील है, आंध्र प्रदेश राज्य में कोलेरू झील है, यह याद रख लेना। इसके बाद में अगला है केरल। देखिए केरल राज्य में कौन सी झील है, पेरियार झील। तो केले खरीदने के लिए आपको पे करना पड़ेगा, जिससे आपको यह झील याद रहेगी, केले खरीदने के लिए आपको पे करना पड़ेगा। तो केले से बना केरल, पे से बना पेरियार झील। तो केरल राज्य में जो है पेरियार झील स्थित है। इसके बाद में हम आते हैं इम्पोर्टेंट मॉक टेस्ट पर। यह मॉक टेस्ट जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, आज से 2008 से लेकर 2017 तक जितने भी एग्जाम हुए हैं उन एग्जामों से छाट छाट कर यह प्रश्नों का संग्रह किया गया है और उन्हें इस वीडियो में लिया गया है। तो इसलिए यह बहुत इम्पोर्टेंट है, जितने भी आज तक पूछे गए सभी प्रश्नों का इसमें हल आपको मिलेगा। इसके जरिए से आपको पता हो जाएगा कि किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं और उनके हल क्या क्या है। देखिए हमारा अगला पहला प्रश्न है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो दोस्तों मीठे पानी की जो सबसे बड़ी झील है वह उलर झील, उलर झील जो है मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। और यह किस राज्य में, तो यह जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। उलर मीठे पानी की सबसे बड़ी झील उलर झील है जो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं, और ऑप्शन में डल झील नहीं है, वो ऑप्शन है उलर झील जो एकदम सही है। स है चिल्का झील, तो यह खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। द है लोनार झील, तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ब सही होगा, उलर झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। देखिए खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो देखिए खारे पानी की जो सबसे बड़ी झील है वो चिल्का झील है जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो हम ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन है डल झील, तो यह नहीं है, वो ऑप्शन है उलर झील, यह मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। स ऑप्शन है चिल्का झील, यह खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। द है लोनार झील, यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो हमारा ऑप्शन नंबर स यहाँ पर सही होगा। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न है, सात ताल झील कौन से राज्य में स्थित है, सात ताल झील कौन से राज्य में स्थित है। देखिए मैंने आपको उत्तराखंड राज्य की ट्रिक बताई थी कि उत्तराखंड के ताल पीछे लगी। जो उत्तराखंड राज्य में हम गए थे तो हमारे पीछे क्या, वहाँ के ताल मतलब तालाब पीछे लग गए थे। तो जिस भी झील के पीछे ताल शब्द जुड़ा होगा वह किस राज्य से संबंधित होगा, उत्तराखंड से, वह उत्तराखंड राज्य से संबंधित होगा। तो हमारे प्रश्न में पूछा है सात ताल झील, मतलब सात के पीछे ताल शब्द जुड़ा है, तो यह किस राज्य से संबंधित होगा, उत्तराखंड से। तो हम ऑप्शन में देख लेते हैं, और ऑप्शन में दिया राजस्थान, यह नहीं है, वो ऑप्शन है उत्तराखंड जो एकदम सही है। स ऑप्शन है उड़ीसा, यह भी नहीं हो सकता, द महाराष्ट्र, यह भी नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ब यहाँ पर सही होगा। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न है, मानस बल झील, मानस बल झील किस राज्य में स्थित है। तो हमारी ट्रिक क्या थी, डल उलर मानस के बल से, डल उलर मानस के बल से सब नाग नागिन जम्मू कश्मीर से भागे। तो उसमें जो मानस के बल था, मानस के बल से जो हमारे ट्रिक में शब्द था उससे क्या बना था, मानस झील। तो यह किस राज्य में था, जम्मू कश्मीर से भागे, यानी जम्मू कश्मीर राज्य में था। तो हम ऑप्शन में देख लेते हैं, ओ ऑप्शन है राजस्थान, यह भी नहीं है, वो ऑप्शन है उत्तराखंड, यह भी नहीं है, स है जम्मू कश्मीर जो एकदम सही है कि मानस के बल से सब नाग नागिन जम्मू कश्मीर से भागे। तो हमारा ऑप्शन नंबर स यहाँ पर सही होगा। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न है, देवताल झील कौन से राज्य में स्थित है। देखिए यहाँ पर भी ताल शब्द जुड़ा है, तो उत्तराखंड में जब हम गए थे तो हमारे पीछे क्या लग गए थे, वहाँ के ताल यानी तालाब सब हमारे पीछे लग गए थे, तो इससे यहाँ पर ताल शब्द जुड़ा है, तो यह उत्तराखंड होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ब यहाँ पर सही होगा।
इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न है सांभर झील। देखिए सांभर झील कौन से राज्य में स्थित है, सांभर झील कौन से राज्य में स्थित है। तो हमारी ट्रिक क्या थी, डिडवाना के जयराज सामंत सांभर के पीछे उसकी फतेह सुनकर राजस्थान गए। डिडवाना के जयराज सामंत सांभर के पीछे उसकी फतेह सुनकर राजस्थान गए। तो उसमें जो सांभर था उससे क्या बना था, सांभर झील, और राजस्थान गए तो राजस्थान से बना था राजस्थान राज्य। तो सांभर झील जो है वो राजस्थान राज्य में स्थित है। तो हम ऑप्शन में देखते, ओ ऑप्शन दिया राजस्थान जो एकदम सही है, वो ऑप्शन है उत्तराखंड यह भी नहीं हो सकता, स उड़ीसा यह भी नहीं है, द महाराष्ट्र तो यहाँ पर लोनार झील है, तो हमारा ऑप्शन नंबर अ यहाँ पर सही होगा। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न है राकस ताल झील कौन से राज्य में स्थित है। देखिए यहाँ पर भी ताल शब्द जुड़ा है, तो हमारी ट्रिक क्या थी कि जब हम उत्तराखंड गए थे तो हमारे पीछे वहां के ताल लग गए थे, उत्तराखंड में ताल पीछे लगे, तो जो राकस ताल है तो इसमें ताल शब्द पीछे जुड़ा है, तो यह उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। तो हमारा ओ ऑप्शन है राजस्थान, तो यह नहीं है, वो ऑप्शन है उत्तराखंड जो एकदम सही है, स ऑप्शन है उड़ीसा, तो यहाँ पर चिल्का झील है जो खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, और द है महाराष्ट्र, तो यहाँ पर लोनार झील है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ब यहाँ पर सही होगा। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न है लोकटक झील कौन से राज्य में स्थित है। देखिए लोकटक झील, लोगों के गले में क्या होता है, मणि की माला होती है, तो लोक से बना था लोकटक झील और मणि से बना था मणिपुर, तो यह लोकटक झील जो है किस राज्य में स्थित है, यह मणिपुर राज्य में स्थित है, तो हमारा ऑप्शन नंबर अ यहाँ पर सही होगा कि लोकटक झील जो है मणिपुर राज्य में स्थित है। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न है नैनीताल झील कौन से राज्य में स्थित है। देखिए नैनी के पीछे जो ताल शब्द जुड़ा, तो यह हमारी कौन सी ट्रिक में आता है कि उत्तराखंड में ताल पीछे लगे, जो ताल है यह उत्तराखंड में हमारे पीछे पड़े थे, तो उत्तराखंड राज्य यहाँ पर होगा, तो ओ ऑप्शन है राजस्थान, यह नहीं हो सकता, ब है उत्तराखंड जो एकदम सही है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ब यहाँ पर सही होगा कि नैनीताल झील जो है उत्तराखंड राज्य में स्थित है, हमारा ऑप्शन नंबर ब यहाँ पर सही है। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न है लोनार झील कौन से राज्य में स्थित है। देखिए लोनार झील कौन से राज्य में स्थित है, तो लोनार झील जो है महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, तो देखिए हम ऑप्शन में देखते हैं, अ ऑप्शन है राजस्थान, तो यहाँ पर नहीं है, ब ऑप्शन है उत्तराखंड, तो यह भी नहीं है, क्योंकि उत्तराखंड में जितने भी झीले उनके पीछे ताल शब्द लगा हुआ है। स ऑप्शन है उड़ीसा, तो यहाँ पर चिल्का झील है जो खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। द ऑप्शन है महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र राज्य में लोनार झील है जो एकदम हमारा आंसर सही है, लोनार झील जो है महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, तो हमारा ऑप्शन नंबर द यहाँ पर सही होगा। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न है शेषनाग झील कौन से राज्य में स्थित है। देखिए शेषनाग झील कौन से राज्य में स्थित है, तो हमारी ट्रिक क्या थी, डल उलर मानस के बल से सब नाग नागिन जम्मू कश्मीर से भागे। जिस भी झील के पीछे नाग शब्द आएगा तो हमें यही ट्रिक याद रखनी कि डल उलर मानस के बल से सब नाग नागिन जम्मू कश्मीर से भागे। तो इसमें जो शेष था तो उससे क्या बनता, शेषनाग, और जम्मू कश्मीर से भागे, तो यह किस राज्य में, जम्मू कश्मीर राज्य में, तो शेषनाग झील कौन से राज्य में स्थित है, जम्मू कश्मीर राज्य में। हम ऑप्शन में देखते हैं, और ऑप्शन में दिया है राजस्थान, तो यह नहीं हो सकता, वो ऑप्शन है उत्तराखंड, तो यह भी नहीं है, स ऑप्शन है जम्मू कश्मीर जो एकदम सही है, तो हमारा ऑप्शन नंबर स यहाँ पर सही होगा कि शेषनाग झील जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न है पेरियार झील कौन से राज्य में स्थित है। देखिए पेरियार झील कौन से राज्य में स्थित है, तो हमारी ट्रिक क्या थी कि केले खरीदने के लिए हमें पे करना पड़ेगा, अगर हमें केले खरीदने हैं तो हमें पे करना पड़ेगा तभी तो हमें केले देगा, तो केले खरीदने के लिए हमें पे करना पड़ेगा, तो केले से बना था केरल और पे से बना था पेरियार,
तो पेरियार झील जो है वो केरल राज्य में स्थित है। तो हमारा ऑप्शन नंबर अ में दिया है राजस्थान, तो यह नहीं है, ब है केरल जो एकदम सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ब यहाँ पर सही होगा। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न है, नागिन झील कौन से राज्य में स्थित है। देखिए नागिन झील कौन से राज्य में स्थित है, तो हमारी ट्रिक क्या थी, डल उलर मानस के बल से सब नाग नागिन जम्मू कश्मीर से भागे, डल उलर मानस के बल से सब नाग नागिन जम्मू कश्मीर से भागे। तो उसमें जब नागिन शब्द था उससे क्या बना था, नागिन झील, और जम्मू कश्मीर से भागे यानी यह जम्मू कश्मीर से भागे थे, तो वो किस राज्य का था, जम्मू कश्मीर राज्य में थे। तो नागिन झील कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर राज्य में। तो हमारा ऑप्शन नंबर अ यहाँ पर दिया है, जम्मू कश्मीर राज्य, कि नागिन झील कौन से राज्य में स्थित है, तो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। तो हमारा ऑप्शन नंबर अ यहाँ पर सही होगा। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न है, उलर झील, उलर झील कौन से राज्य में स्थित है। तो देखिए हमारी ट्रिक क्या थी, डल उलर, डल उलर मानस के बल से, उसमें जो उलर शब्द आया था तो उलर से बना था उलर झील, और जम्मू कश्मीर से भागी यानी किन या किस राज्य में था, तो जम्मू कश्मीर में, तो उलर झील जो है वो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। तो हमारा ऑप्शन नंबर अ यहाँ पर भी सही होगा, कि जम्मू कश्मीर राज्य में उलर झील स्थित है। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न है, डिडवाना, देखिए डिडवाना झील कौन से राज्य में स्थित है, डिडवाना झील कौन से राज्य में स्थित है। तो हमारी ट्रिक क्या थी, डिडवाना के जयराज सामंत, डिडवाना के जयराज सामंत सांभर के पीछे उसकी फतेह सुनकर राजस्थान गए, डिडवाना के जयराज सामंत सांभर के पीछे उसकी फतेह सुनकर राजस्थान गए। तो इसे जो डिडवाना था, तो डिडवाना से क्या बना था, डिडवाना झील, और फतेह सुनकर राजस्थान गए, राजस्थान से बना था राजस्थान राज्य, कि डिडवाना झील जो है वो राजस्थान राज्य में स्थित है। तो हम ऑप्शन में देख लेते हैं, और ऑप्शन में है जम्मू कश्मीर, तो यह जम्मू कश्मीर में नहीं है, क्योंकि जम्मू कश्मीर की ट्रिक क्या थी, डल उलर मानस के बल से सब नाग नागिन जम्मू कश्मीर से भागे, तो इसमें डिडवाना नाम का कोई वर्ड नहीं आता है। उसके बाद में सेकंड वो ऑप्शन है उत्तराखंड, तो उत्तराखंड की ट्रिक थी, उत्तराखंड के पीछे ताल लगे, जो भी झील होगी उसके पीछे जो ताल शब्द अगर जुड़ा होगा तो उत्तराखंड राज्य से संबंधित होंगी, तो यहाँ पर भी कोई ताल शब्द नहीं जुड़ा है, तो यह उत्तराखंड राज्य से संबंधित नहीं है। सब ऑप्शन है राजस्थान, तो राजस्थान राज्य की जो ट्रिक थी, डिडवाना के जयराज सामंत सांभर के पीछे उसकी फतेह सुनकर राजस्थान गए, तो यहाँ पर डिडवाना झील पूछा है, तो यह राजस्थान राज्य से संबंधित है। तो हमारा ऑप्शन नंबर स यहाँ पर सही होगा, क्योंकि दो ऑप्शन में महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र राज्य में लोनार झील है, तो हमारा ऑप्शन नंबर स यहाँ पर सही है। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न है, चिल्का झील कौन से राज्य में स्थित है। देखिए चिल्का झील कौन से राज्य में स्थित है, तो चिल्का झील जो है खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो हम ऑप्शन में देख लेते हैं, अ ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, तो यह भी नहीं है, ब ऑप्शन है उत्तराखंड, तो उत्तराखंड राज्य की जो भी झीलें होती है उनके पीछे ताल शब्द लगा होता है, वह उत्तराखंड राज्य से संबंधित होती है। स ऑप्शन है उड़ीसा, तो यह एकदम सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर स यहाँ पर सही होगा, कि चिल्का झील उड़ीसा राज्य में स्थित है। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न है, बैरीनाग झील, बैरीनाग झील कौन से राज्य से, कौन से राज्य में स्थित है, बैरीनाग झील कौन से राज्य में स्थित है। देखिए हमारी ट्रिक क्या थी, डल उलर मानस के बल से, डल उलर मानस के बल से सब नाग नागिन जम्मू कश्मीर से भागे, इसमें जो सब था ब सब था जो, तो ब से क्या बना था, बैरीनाग, ब से बना था बैरीनाग, तो बैरीनाग झील जो है वो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। तो हम ऑप्शन में देखते हैं, अ ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, जो हमारा आंसर सही होगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर अ यहाँ पर सही होगा। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न है, फतेहपुर सागर, फतेहपुर सागर झील कौन से राज्य में स्थित है, फतेहपुर सागर झील कौन से राज्य में स्थित है। तो हमारी ट्रिक क्या थी, डिडवाना के जयराज सामंत, डिडवाना के जयराज सामंत सांभर के पीछे
उसकी फतेह सुनकर राजस्थान गए। तो इसमें जो फतेह था तो फतेह से बना था फतेहपुर सागर। फतेहपुर सागर झील जो है वो राजस्थान में, क्योंकि फतेह सुनकर वो राजस्थान गए तो राजस्थान से बना था राजस्थान राज्य, और फतेह से बना था फतेहपुर सागर झील। तो यह फतेहपुर सागर झील जो है राजस्थान राज्य में स्थित है। तो हमारा ऑप्शन नंबर अ में जम्मू कश्मीर दिया तो यह नहीं है, वो ऑप्शन है राजस्थान जो एकदम सही है, क्योंकि स ऑप्शन उड़ीसा, यहाँ पर चिल्का झील है, और द ऑप्शन है महाराष्ट्र, तो यहाँ पर लोनार झील स्थित है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ब यहाँ पर सही होगा। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न है, राजसमंद झील कौन से राज्य में स्थित है। देखिए हमारी ट्रिक क्या थी, डिडवाना के जयराज सामंत सांबर के पीछे उसकी फतेह सुनकर राजस्थान गए। तो इसमें जो राजसमंद था उससे क्या बना था, राजसमंद झील। तो यह कहाँ पे, राजस्थान राज्य में स्थित है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ब यहाँ पर भी सही होगा कि राजसमंद झील राजस्थान राज्य में स्थित है। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न है, मालाताल झील कौन से राज्य में स्थित है। देखिए यहाँ पर जो झील में मालाताल में जो मालाताल यहाँ पर जो नाम दिया है इसमें लास्ट में ताल शब्द जुड़ा हुआ है। तो हमारी ट्रिक क्या थी कि उत्तराखंड में जब हम गए थे तो हमारे पीछे ताल लग गए थे, उत्तराखंड में ताल पीछे लगे। तो जिस भी झील के पीछे अगर ताल शब्द जुड़ा है तो वह किस राज्य से संबंधित होंगी, उत्तराखंड राज्य से संबंधित होगी। तो हम ऑप्शन में देख लेते हैं, और ऑप्शन है जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर की जो ट्रिक थी, डल उलर मानस के बल से सब नाग नागिन जम्मू कश्मीर से भागे, तो इसमें किसी प्रकार का ताल शब्द नहीं जुड़ा है, वो ऑप्शन है राजस्थान। तो राजस्थान राज्य की जो ट्रिक थी, डिडवाना के जयराज सामंत सांबर के पीछे उसकी फतेह सुनकर राजस्थान गए, इसमें भी ताल शब्द किसी भी ट्रिक में नहीं जुड़ा हुआ। स है उत्तराखंड, तो उत्तराखंड एक ऐसा राज्य जिसके पीछे मतलब जिसके झील के पीछे ताल शब्द जुड़ा है, तो वहाँ पर उत्तराखंड राज्य होगा। और महाराष्ट्र राज्य में केवल एक ही झील है, लोनार झील, यह आपको याद है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर स उत्तराखंड राज्य होगा कि मालाताल झील जो है उत्तराखंड राज्य में स्थित है। दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और कमेंट करना न भूले। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।